इसलिए मैं ये कह सकती हूँ कि नरेंद्र नाथ दत्त से नरेंद्र मोदी तक की जो यात्रा थी, पहले भारत के स्वाधीनता की, फिर भारत की चेतना की स्वाधीनता की, फिर भारत के विकास के आधारों की स्वाधीनता की, ये जो यात्रा है ये नरेंद्र नाथ दत्त यानी स्वामी विवेकानंद से नरेंद्र मोदी तक ये मशाल चलती आई है। और मुझे लगता है कि भारत पूरी दुनिया में अपना परचम फहराएगा। हमारे सामने कोई नहीं टिक पाएगा, न चीन टिक पाएगा, न पाकिस्तान टिक पाएगा। और हम जिस नीति को अपना करके चल रहे हैं कि हम किसी को हिंसक तरीकों से ध्वस्त नहीं करना चाहते हैं, हम सबके साथ सामंजस्य बना करके चलना चाहते हैं, और जब हम पर संकट आएगा तो हम जरूर अपनी आत्मरक्षा के लिए खड़े हो जाएंगे। और इसलिए इसी भाव से मुझे लगता है कि देशवासियों ने मोदी का भरोसा किया है, ये भरोसा मोदी जी पर कायम रहे। यहाँ पर मैं आपके कई प्रश्नों के आने उत्तर पहले ही दिए देती हूँ। कांग्रेस, सपा, बसपा, ये लोगों की नज़र में गिर चुकी पार्टियां हैं, लोगों की नज़र में गिर गई हैं, क्योंकि इनने परिवारवाद की राजनीति की, जातिवाद की राजनीति की, इनने वोट बैंक की राजनीति की। इन्होंने तो जिस प्रकार से राजनीति को कलंकित किया है उत्तर प्रदेश में, तो खास करके उसका परिणाम है, एक तरफ एक अपराध के लिए जानी गई एक पार्टी सपा जैसी पार्टी, और एक भ्रष्टाचार के लिए जानी गई बसपा जैसी पार्टी, और कांग्रेस दोनों के लिए जानी गई, दोनों की एक प्रकार से। कांग्रेस को मैं कह सकती हूँ कि इन तीनों के नाम अलग अलग हैं लेकिन गोत्र तीनों का एक है, कि भ्रष्टाचारियों और अपराधियों को संरक्षण देने का काम सबसे पहले कांग्रेस ने शुरू किया था, अगर आपको याद हो तो। बहुत पहले वो उनका इस्तेमाल करते थे, फिर वो सपा बसपा आते आते उनको टिकट मिलने लगे, और ऐसे एक बात आगे बढ़ाई कांग्रेस ने और सपा और बसपा ने उसका पूरा दोहन और पूरा उपयोग किया। अब इस प्रदेश को मुक्ति मिली है। योगी एक बहुत ही निर्लिप्त प्रकृति के व्यक्ति हैं, वो किसी भी चीज़ में लिप्त नहीं होते, एक योगी ही हैं, और योगी इस देश पर शासन कर रहा है प्रदेश में, ये बहुत अच्छी बात है। मैं भी जब मुख्यमंत्री बनी थी तो मेरे अंदर बड़ी निर्लिप्तता रहती थी, अब वो अलग बात है कि तिरंगे की मान की बात आई तो मैंने छोड़ दिया। इसलिए जब योगी मुख्यमंत्री बने तो मुझे लगा मैं ही बन गई, और योगी ही चाहिए थे। उत्तर प्रदेश की जैसी हालत थी उसमें ये भी एक सही डिसीजन था कि योगी जैसे व्यक्ति को, जो बहुत मजबूत है, जो बहुत सौम्य है, मतलब जिसमें सौम्यता और मजबूती का मेल हो, एक ऐसा व्यक्ति, और जो बिल्कुल निष्प्रह हो, उनमें वो निष्प्रभा भी हैं पूरी तरह से, सौम्य भी हैं और साथ में वो मजबूत भी हैं, फिर बिल्कुल सही व्यक्ति हैं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मेरा उनके लिए खूब आशीर्वाद और शुभकामनाएं रहेंगी, और मैं पूरी तरह से उनके साथ हूँ, उनके बिल्कुल चट्टान की तरह उनके पीछे खड़ी हुई हूँ। और हमारे मोदी जी के लिए मैं माँ विंध्यवासिनी से प्रार्थना करती हूँ और गंगा मैया से प्रार्थना करती हूँ कि इस व्यक्ति को लंबे समय तक शक्ति संपन्न रखिए और सत्ता के ऊपर आसीन रखिए।